भाईचारा मिलत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, भाईचारा मिलत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, नारी को सम्मान गांधी को प्राणदान कस्तूरबा को सिंदूरदान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव जी, अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, संत गाडगे सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तो आज देखा यहाँ महापंचायत बा, यहाँ वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत बा, बोला जे बिजली के बिल से एक प्रदेश में परेशान हो, तब बिजली के बिल से जे जे परेशान हो, हाथ उठौला सब लोग, उठौला न परेशान है न, दोनों हाथ उठावा जे जे परेशान हो। देखा आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूँ, 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूँ। आप बतावा हमार, देखा बात साफ साफ सुना भैया बैठल हुआ, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। यदि महंगाई से निजात चाह तो हाथ उठावा। बंगाल में खेला होबे का नारा लगल रहल, का लगल रहल, बंगाल में खेला होबे का नारा लगा, और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे, का होबे, जोर से बोलिए, का होबे, खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फौ जाओ, अखिलेश यादव जी का फौ जाओ, एक फौ से टकराने की हिम्मत अब मत करना, अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। बोला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि न होए के चाहिए, कितना लोग विदाई चाहत हुआ हाथ उठावा, विदाई चाहत हुआ न, तई बतावा ये लड़ाई के लड़ी, जे जे लड़ाई लड़ी उठावा, लड़ाई लड़वा न। अब आगे देखा ई बतावा, जेकरे घरे पांच लोग हो, पांच पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में दुइया लोगन का नाम हो, तब बतावा राशन पांचों लोगन के मिली ना मिली। यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बोलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है साथियों। बोला कितना जने चाहत हुआ कि जातिवार जनगणना होए के चाहिए, हाथ उठावा, देख रहे हाथ उठावा तब मानव। तीसर काम का चाहत है कोई भी गरीब, कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से दिलाऊंगा और गरीबों का इलाज फ्री में कराने का कानून पास करूंगा। बोलो सही है कि नहीं सही है, कितने लोग चाहते हो कि कानून बन जाए, चाहत हुआ न। देखा भीतरा भीतरा भैया मुस्कियात हमन, जोरदार ताली बजा के ध्यान, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और काबा योगी जी बेचारे, योगी जी महात्मा हुआ, अभी अन्ना पशु जोन मिलत रहना बुंदेलखंड में, आई बुंदेलखंड से अन्ना पशु बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में ला दिया, आज किसान डंडा लेके रात को अपनी फसल अगोर रहा है और ये कैंट की नींद योगी सो रहा है, इस नाते ये किसानों का दंड दुगुना कर रहे हैं। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिया, डाई 50 किलो से 5 रुपया कम कर दिया, और ये किसानों का दंड दुगुना करने की बात करते हैं।
घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूँ तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। बोलो है कि नहीं। कितने लोग चाहते हो कि सत्ता से योगी को हटा दिया जाए? दोनों हाथ उठाओ जोर से और ताली बजा करके स्वागत करो। आप अच्छा ये बतावा, देखा हमार झगड़ा, हमारा झगड़ा भैया तई सुन मर दे देखा हमार झगड़ा बहुत से लोग का तो नहीं, कहे बदे मंत्री पद छोड़ दिलन। साथियों में रुपया कमाने लखनऊ नहीं गया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देकर योगी और मोदी को बता दिया कि देखो ये समाज की लड़ाई लड़ने नेता निकला है, तेरी गुलामी 420 करने नहीं, तेरा जूता पॉलिश करने नहीं। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पॉलिश करते हैं, इनकी औकात नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण, पिछड़ों का लूटा गया। एक भी पिछड़े समाज के नेता जो भाजपा में हैं, उनकी जबान नहीं खुली। ओम प्रकाश राजभर जब बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक टाइम आ गल, 19 साल आज हो गए, काली से 20वां शुरू हो जाई ना। अब मन बना ला, हम लोग तय कैले हई हम लोगन का योजना बा कि जोन किसानन का 11 महीना से धरना देत हुवन, ये किसानन का बात सुनात ना हुई लोग के, भारतीय जनता पार्टी के नेतन के ना सुनात हो। एनहने के लौटना बा कि लोग के मोतियाबिंद भयल हो, तो 2022 के चुनाव में इनके लोगन के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करे के हो। बोला कितना दिन करबा न, और देखा आगे देखा भैया बैठल हुआन। हम चाहतिला कि देखा हम आने का सोच बा, विचार बा कि हमारे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं, और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाह इनको 8 घंटे की दी जाती है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी इसको सुन लीजिएगा, जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है, 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से पीट करके वसूला जा रहा है। इसको रोकना है, बताओ रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। इसके लिए हम लोग तय करेंगे या पुलिस विभाग भी ड्यूटी 8 घंटा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना है। और दूसरा काम क्या करना है, ये बॉर्डर सीमा लगा है, बलिया का सिपाही बांदा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद में, आजमगढ़ का आगरा में, अब बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने बगल के जिले में नियुक्ति देने का काम भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोगों को ये सही लग रहा है? और अब आप आगे सुनो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चौकीदारों की तनख्वाह जब 1,500 था तो 2,500 कर दिया, 1,000 रुपया बढ़ा दिया। और पूरे प्रदेश के चौकीदारों का आह्वान करता हूँ कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ।